हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आई एम योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 22 कंजंक्शंस। ओके, सो बच्चों, कंजंक्शंस क्या होती हैं? जब हम दो सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करते हैं या हम किसी के लिए दो चॉइसेस देते हैं, तब हम इन कंजंक्शंस के वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि एंड, बट, और, सो, बिकॉज। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। सो द वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स, वो वर्ड जो वर्ड्स को जॉइन करता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जॉइन करता है या सेंटेंसेस को जॉइन करता है, उन्हें क्या कहते हैं? कंजंक्शन। एंड, बट, बिकॉज एंड और आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शंस। तो इन कंजंक्शंस की हेल्प से बच्चों हम वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और सेंटेंसेस को जॉइन कर सकते हैं। ओके, सो बट हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें डिफरेंसेस शो करने होते हैं, राइट? और जब हमें चॉइस बतानी होती है या चॉइस पूछनी होती है। बिकॉज जब हमें किसी चीज़ के लिए कोई रीज़न देना होता है कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, और एंड जब हम सिमिलर वर्ड्स और सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं एंड का। ओके, सो आज हम यहाँ पर एंड और बट और बिकॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो अंडरलाइन द कंजंक्शंस इन द सेंटेंसेस। यू कैन बाय अ पेंसिल और अ पेन विद दिस मनी। सो यहाँ पर बच्चों हम क्या दे रहे हैं? हम चॉइस दे रहे हैं कि आप इस पैसे से क्या खरीद सकते हो, या तो एक पेंसिल या पेन। सो और क्या हो गई यहाँ पर हमारी? कंजंक्शन। आई लाइक टी बट माई मदर लाइक्स कॉफ़ी। सो ये बट किस लिए शो होता है? डिफरेंस के लिए। तो डिफरेंस हो गया ना, मुझे चाय पसंद है और मेरी मामा, लेकिन मेरी मामा को कॉफ़ी। सो बट इज़ द कंजंक्शन हेयर। जैक एंड जेम्स ऑलवेज स्टे टुगेदर। जैक और जेम्स हमेशा साथ रहते हैं। तो सिमिलर बात है इन दोनों की कि ये दोनों साथ रहते हैं, और हमने इन्हें ज्वाइन कैसे किया है? एंड से। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। अब मुझे इसका रीज़न देना है, क्यों? बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड। सो बिकॉज क्या हो गया यहाँ पर हमारा? कंजंक्शन। बटरफ्लाई लुक्स ब्यूटिफुल। बटरफ्लाई सुंदर दिखती हैं बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटिफुल ब्राइट विंग्स, अपने ब्राइट विंग्स की वजह से। तो बिकॉज क्या हो गया? कंजंक्शन। बिकॉज हम यहाँ रीज़न बता रहे हैं कि बटरफ्लाई सुंदर क्यों लगती हैं। प्रवीण लिव्स इन अ बिग हाउस। प्रवीण एक बड़े घर में रहता है, बट राजूज हाउस इज स्मॉल, लेकिन राजू का घर छोटा है। तो डिफरेंस हो गया ना दोनों में, एक का घर बड़ा एक का छोटा, तो हमने यहाँ पर यूज़ करा है बट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यस, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एंड और बट एंड बिकॉज। दिस इज माई पेंसिल, दिस दैट इज हर्स। तो पेंसिल की बात हो रही है, दिस इज माई पेंसिल एंड, और ये उसकी है, एंड दैट इज हर्ष। हर्ष सॉल्व द प्रॉब्लम्स, हर्षिता कुडेंट। हर्ष ने सॉल्व कर ली प्रॉब्लम, लेकिन हर्षिता ने नहीं की। तो ये डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बट हर्षिता कुडेंट। यू कैन बाय अ बुक ऑन घोस्ट, अ बुक ऑन मैजिक। या तो आप भूतों पर एक बुक खरीद सकते हो या फिर जादू पर। सो हम चॉइस दे रहे हैं यहाँ पर, तो हम लगाएंगे और। अनीश रैन आफ्टर द बस, ही कुडंट कैच। अनीश रैन आफ्टर द बस, बस के पीछे भागा लेकिन पकड़ नहीं सका। सो डिफरेंस हो गया, बट ही कुडंट कैच। द रूम इज स्मॉल डैश वेरी ब्यूटिफुल। द रूम इज स्मॉल, छोटा है लेकिन और बहुत सुंदर है, एंड वेरी ब्यूटिफुल। द माउस रैन इंटू इट्स होल, इट हैड सीन द कैट। माउस अपने बिल की तरफ भागा, क्यों भागा? बिकॉज उसने कैट को देख लिया था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिकॉज। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको कंजंक्शन समझ आ गया होगा। जब हमें रिजल्ट दिखाना है तो हम बिकॉज को यूज़ करेंगे, चॉइस दिखानी है तो और को यूज़ करेंगे, डिफरेंसेस दिखाने हैं तो बट को यूज़ करेंगे, और जब सेम बात हम कर रहे हैं तो हम एंड से उसे जॉइन करेंगे। सो आई होप दैट कंजंक्शन इज क्लियर टू यू नाउ। दिस इज द क्राफ्ट कॉर्नर फॉर यू, एंड दिस विल बी अ फन एक्टिविटी ऑल्सो। सो क्या करना है आपको? माई क्लासरूम मिनी मॉडल बनाना है।
सो क्या आप 5-5 का ग्रुप्स बना लें एंड मेक अ मॉडल ऑफ योर क्लासरूम यूजिंग अ डिस्कार्डेड कार्टून बॉक्स. जो कार्टून बॉक्सेस आते हैं ना, कार्टन बॉक्सेस आते हैं, कत्ते के जो बॉक्स होते हैं, उनसे आपको क्या बनाना है, एक मॉडल बनाना है अपने क्लासरूम का. आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कार्टून बॉक्स, वाइट पेपर एंड थर्मोकॉल, पेंसिल एंड कलर पेंसिल, ग्लू एंड अ पेयर ऑफ सेफ्टी सिजर्स. चलिए अब कैसे करना है आपको, आपको एक बड़ा कार्टून बॉक्स लेना है और उसके जो फ्लैप्स होते हैं उन्हें रिमूव कर लेना है. ओके, इमेजिन द इनसाइड ऑफ द बॉक्स इज द इनसाइड ऑफ द क्लासरूम विद द रूफ रिमूव्ड. ओके, जैसे कि आपकी ये क्लासरूम है और उसमें बस आपने रूफ रिमूव कर दी है, छत हटा दी है. कवर द होल बॉक्स विद वाइट पेपर. पूरे को आप वाइट पेपर से कलर कर लोगे. यू मे चूज कलर्ड पेपर दैट रिजेंबल द एक्चुअल कलर ऑफ योर क्लासरूम्स वॉल. आप वो भी पेपर ले सकते हो जो आपके क्लासरूम की वॉल्स का कलर हो, तो ताकि वो उससे मैच कर जाए. नाउ ड्रॉ डोर्स, विंडोज एंड ऑब्जेक्ट्स हैंगिंग इफ एनी ऑन द वॉल्स एट द करेक्ट प्लेसेस. तो जहाँ डोर है वहाँ पर आप डोर बना दो, जहाँ विंडो है वहाँ विंडो बना दो. कोई चीज़ हैंग हो रही है वॉल्स से तो वो भी आप शो कर दें. मेक मिनी टेबल्स, चेयर्स, डेस्क एंड बेंचेस बाय कटिंग थर्मोकॉल ब्लॉक्स इन स्मॉल पीसेस. सो छोटी छोटी टेबल्स, चेयर्स और बेंचेस आप बना सकते हो. आप इनको पेपर से कवर कर सकते हो एंड पेस्ट देम टुगेदर टू मेक प्रॉपर शेप. सो इस तरह से आपका क्लासरूम मिनी मॉडल बनके तैयार हो जाएगा. सो आफ्टर यू फिनिश, लुक एट इट केयरफुली एंड थिंक अबाउट व्हाट एल्स यू वुड लाइक टू हैव इन योर क्लासरूम. और आपको क्या चाहिए अपने क्लासरूम में, आप में से हर कोई कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर सकता है. अब ये क्लासरूम का जो मॉडल है इसे आपको अपनी क्लास में दिखाना है. यूज़ करेक्ट प्रेपोजिशन टू स्टेट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विजिबल इन द मॉडल. प्रिपेयर अ स्पीच अबाउट हाउ यू मेड इट एंड स्पीक इन क्लास. फिर आपने इसे कैसे बनाया इसके बारे में आप एक स्पीच रेडी करो और उसे क्लास में बोलो. ओके, सो आपकी कितनी ज़्यादा क्राफ्ट कॉर्नर की स्किल डेवलप हो जाएगी बच्चों, प्लस जब आप एक स्पीच दोगे तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी. राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.